पर मेरे बातों का फ़ायदा सीमेंट इंडस्ट्री ने उल्टा लिया मैं देश का फोर्टी परसेंट सीमेंट हम कंज्यूम करते हैं इन्होंने कार्टेल बनाकर रेट बढ़ाना शुरू किया जब पावर में बढ़ोतरी नहीं हुई रॉ मटेरियल में बढ़ोतरी नहीं हुई लेबर कॉस्ट में बढ़ोतरी नहीं हुई टैक्सेशन में नहीं और ये रेट बढ़ाते रहे फिर मैंने आकर एक दिन कहा कि नहीं मैंडेटरी नहीं करना अब मैं स्टील और सीमेंट के अल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ और ये अगर एक प्रॉफिट एक प्रॉफिट लेना सबका काम है पर इस प्रकार से डिमांड को कार्टिलाइज करना और रेट बढ़ाना यह ठीक नहीं है तो मैंने कहा कि चलो बिटूमिन बना तो वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है पर कंक्रीट रोड जो है उसकी कॉस्ट में और बिटूमिन की कॉस्ट में साधारण यहाँ एक रुपये लगता है तो वहाँ सवा रुपये डेढ़ रुपये लगता है अभी हमने एक नया सिस्टम लाया वाइट टॉपिंग वाइट टॉपिंग का मतलब ऐसा है कि जो बिटूमिन रोड है उसको निकालेंगे और उसके ऊपर छः इंच से आठ इंच की कंक्रीट लेयर हम लोग हमारे जो पेवर्स है उसके द्वारा कर देंगे वो भी रोड बीस साल पच्चीस साल चलते हैं उसमें कोई गड्ढे नहीं पड़ते तो शहरों में ये बहुत सस्ते में होते हैं पर ये भी है कि ज़्यादा मटेरियल यूज़ करेंगे तो, तो अभी जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है इसका टर्न ओवर पचास हज़ार करोड़ था वो एक लाख करोड़ हो गया क्योंकि तीन गुना बढ़ा डिमांड क्योंकि रोड इतने बंद रहे हैं जी तो मशीनरी की भी कीमत बढ़ी रोजगार निर्माण हो रहा है और रॉ मटेरियल में भी सीमेंट और स्टील की खपत बढ़ रही है गवर्नमेंट को भी जीएसटी मिल रहा है तो ये क्या है मल्टीप्लाई इफेक्ट्स है जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगी तो सभी स्टेक होल्डर्स को उसका फ़ायदा होता है मंत्री जी क्या सीमेंट का काटिल अभी भी चल रहा है अभी मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता पर मेरी बात अगर उनके पास जाती होगी तो वो फिक्स पॉलिसी बनाए अगर रेट में कहीं अगर बैंक का इंटरेस्ट बढ़ता है रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है लेबर कॉस्ट बढ़ती है टैक्स बढ़ता है पावर कॉस्ट बढ़ती है तो वो बढ़ा है तो कोई अड़चन नहीं पर मुझे लगता है ये अगर वो फिक्स पॉलिसी करके अगर कीमत रखेंगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम उनसे कॉन्क्रीट रोड करेंगे और निश्चित रूप से हम नए नई टेक्नोलॉजी हमने एक इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी लाई है ये जैसे ब्रिज बनते हैं और मेट्रो बनती है ना दो पियर बनते हैं हिंदुस्तान में इसका मैक्सिमम डिस्टेंस केवल 40 मीटर तक था ये जो ऊपर का बीम होता है इसमें हमने अभी टेक्नोलॉजी मलेशिया और इससे लाई है उसमें क्या है कि ये जो बीम को प्रीकाश करते हैं उसको स्टील फाइबर में करते हैं तो उसका फायदा ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन टू पियर 40 मीटर के बजाय 120 मीटर हो गया hmm. तो कॉस्ट वन थर्ड हो गई hmm. तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी वी आर ट्राइंग फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन तो अलग अलग प्रकार के अभी हमने ये अहमदाबाद मैं गया था देखने के लिए बीस लाख टन कचरा अहमदाबाद का हम रोड के अंदर डाल रहे हैं अभी ये गाजीपुर की टेकड़ी पूरी खाली करने का मेरा इरादा था ये दिल्ली मेरठ हाईवे में हम अनेक जगह पर कार्पोरेशन की सॉलिड वेस्ट को रोड में डाल रहे हैं गाजीपुर का क्यों नहीं हुआ मंत्री अब मैंने बहुत कोशिश की वो दिल्ली म्यूनसिपल कारपोरेशन डी डी एल जी में मीटिंगे हुई हमने कहा हमको सेग्रीगेट करके दो तो सेग्रीगेट कौन करेगा तो कोई तैयारी नहीं हुए तो मैं करना मेरा तो तो राजनीति नहीं करता वो केजरीवाल उस समय नहीं थे उस समय बीजेपी की थे मैंने कोशिश की पर सैग्रीगेट करने के लिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सैग्रीगेट करने के लिए जो मछली लगानी पड़ती थी उसमें प्रॉब्लम आया पर मैं अभी अनुरोध करूंगा जी सभी राज्य सरकार को और म्युनिसिपल कारपोरेट को और आपके द्वारा आप भी करिए ये वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है जी कि पूरा कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उसको सेग्रीगेट करिए प्लास्टिक ग्लास मेटल वो कचरे को उठाकर मैं रोड के बीच में डाल दूंगा जी ऑर्गेनिक वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन बनेंगे और जो सुएज वाटर है मैं अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में जी नागपुर शहर का सुएज सात साल से बेच रहा हूं महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन को आप इमेजिन करोगे तीन सौ करोड़ रुपए साल के टॉयलेट का पानी बेचकर हमको पैसा मिल रहा है और अभी हमने मथुरा में एक प्रोजेक्ट डाला है वो हाइब्रिड एन है पे कि एटी एम एल डी मथुरा का स्लज मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने हाइब्रिड एन में डाला है उसमें ऐसा है कि जो गंदा पानी है मथुरा का उसको शुद्ध करके वो इंडियन ऑयल खरीदता है और 20 करोड़ साल के देता है तो 40 टक्के सरकार ने दिया और 60 परसेंट त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है उन्होंने लगाया और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी सक्सेसफुल है